हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारे इस गार्डियन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3.2.3 के, आज उसको हम कवर करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या 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 चला है? क्वेश्चन में क्या क्या चला है? ऑन डिवाइडिंग एक्स के क्यूब माइनस के 3x² प्लस के एक्स माइनस के 12 बाई ए पोलोनोमियल जी एक्स द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस के 2 एंड माइनस के 2x प्लस के 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स। क्वेश्चन में जो मतलब है वो ये है कि आपके पास कोई डिविडेंड दे के चला है और साथ में आपका रिमाइंडर दे के चला है और साथ में आपका क्या दे के चला है? क्यूशेंट दे के चला है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है डिवीजन। आप सभी जानते हो यूक्लिड एल्गोरिथम जो हमारी होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारे पास डिविडेंड इक्वल हमारे पास हो जाएगा डिवीजर इंटू ए क्या हो जाएगा क्यूशेंट और प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। ये क्या होती है हमारे पास? यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप सभी जानते हो डिविडेंड की वैल्यू जो क्वेश्चन में देके चला है, डिविडेंड की वैल्यू देके चला है एक्स की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के कितना है हमारे पास एक्स प्लस के 2। डिविजर की जो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो डिविजर की वैल्यू हमने क्या मान लिया डी आर इंटू के। क्यूसेंट हमारे पास क्या है? क्यूसेंट की वैल्यू हमारे पास देके चला है एक्स माइनस के 2 प्लस और रिमाइंडर की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है माइनस के 2x प्लस के 4। रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 2x प्लस के 4। तो जो जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में थी वो हमने अपनी इस एल्गोरिथम में यहाँ पे अपनी पुट कर दी है। यहाँ पर वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर दी, क्यूसेंट की वैल्यू पुट कर दी और डिविडेंड की वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एक्स की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के एक्स प्लस के 2 इजकल टू डिविजर इंटू के एक्स माइनस के 2 माइनस 2x प्लस के 4। जब हम 2x को इधर लाएंगे उठा के एक्स की क्यूब माइनस के 3x² तो 2x इधर आगे कहें का हो गया प्लस का हो जाएगा और जो 4 है इधर जाके कहें का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा डिविजर इंटू के एक्स माइनस के 2। इसके बाद एक्स की क्यूब माइनस के 3x² 2x और एक 1x कितना हो गया आपके पास 3x, 2 में से 4 गया कितना बचा माइनस के 2 बराबर कितना आ गया डिवीजर इंटू के कितना आ गया x माइनस के 2। ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके हमें चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो डिवीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 2 डिवाइडेड बाय x माइनस के 2। अब आपको डिवाइड करना है, इससे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपके डिविजर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे एक्स माइनस टू से हम डिवाइड करेंगे एक्स की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 2 डिवाइड करेंगे हम इसमें। ये है हमारा एक्स की क्यूब और ये है हमारा एक्स, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस के 2x² माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x² में 3x² जाएगा तो माइनस के x² प्लस के कितना आ जाएगा 3x और माइनस के कितना आ जाएगा 2। हम क्या काम करेंगे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के x² प्लस के कितना आ जाएगा 2x। माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा एक्स माइनस के 2। इसके बाद हम क्या कर देंगे प्लस 1 से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स माइनस के 2। एक्स माइनस टू माइनस माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास कितना आ गया, ये भी हमारा कैंसिल आउट हुआ तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारे डिविजर की वैल्यू आई है वो डिविजर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है x² माइनस के एक्स प्लस के 1 और यही क्या होगा आपका फाइनली आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है जो कह के चला है गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलोनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम। तो हमें जो बताने हैं तीन क्वेश्चन आपके पास देके चला है, तीन क्वेश्चन आपके पास कौन कौन से देके चला है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास डिग्री पी एक्स किसके बराबर होनी चाहिए, डिग्री
क्यू एक्स के। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या देके चला है, डिग्री क्यू एक्स के जो देके चला है वो किसके बराबर देके चला है, डिग्री आर एक्स के। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास देके चला है डिग्री आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, आप सभी जानते हो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है डिविडेंड इक्वल, हमारे पास होती है डिवीजर इनटू के क्यूशेंट और प्लस क्या होती है रिमाइंडर, ये होती है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। इसका ही यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो सबसे हम पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे, हमें कुछ ऐसे मानना है जो इसमें रखने पर इस ये हमारी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम कहने लगे सपोज दैट एक्स के क्यूब प्लस के एक्स को हम डिवाइड करें किससे, एक्स स्क्वायर से, तो हमें पता है हमारे पास डिविडेंड कितना है, एक्स के क्यूब जमा के एक्स। डिविजर हमारे पास कितना है, डिविजर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, डिविजर कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास डिवाइड करने पे जो क्यूसेंट भी एक्स आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, एक्स। तो एक्स के क्यूब जमा के एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, एक्स के क्यूब जमा के एक्स। तो यहां से हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लिया कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब जमा एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम में रखते हैं तो इनकी डिग्री हमेशा क्या होगी, आपस में ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी वन है, ये भी वन है एक्स की, तो ये डिग्री आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें वैल्यू माननी है, हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, टू एक्स और प्लस के टू डिवाइडेड बाय टू। तो हमारे पास डिविडेंट कितना है, हमारे पास डिविडेंट है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स प्लस के टू, डिविजर कितना है टू। तो हमारे पास टू जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन और प्लस के हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा जीरो, रिमाइंडर कितना आएगा जीरो। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी आपस में सेम हो जाएगी, कितना हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स प्लस के कितना आ जाएगा टू, यानी कि ये डिग्री हमारी सेम होगी। तो हमें यही सिर्फ दिखाना है कि हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जो आपका डिविडेंट हो, आपका डिवीजर हो, और अगर हम उसको डिवाइड करने पे क्यूशेंट और रिमाइंडर आए और वो हम अगर इस डिवीजन एल्गोरिथम में रखें तो क्या ये क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, डिग्री हमारी सेटिस्फाई होगी नहीं होगी। तो हमने दोनों एग्जांपल रख के देखे, फर्स्ट का भी डिग्री सेटिस्फाई हुई, सेकेंड का भी, तो हमारी क्या हुई, डिग्री सेटिस्फाई हुई। तीसरे क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो हम क्या मानेंगे, एक्स की क्यूब प्लस के वन डिवाइडेड बाई किससे करना है हमें, एक्स स्क्वायर से। तो जब हम उसमें रखेंगे डिविडेंट हमारे पास कितना है, डिविडेंट है हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस के वन इजकल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्यूसेंट कितना आएगा एक्स और रिमाइंडर कितना बचेगा वन। तो हम यहाँ रखेंगे एक्स की क्यूब प्लस के वन बराबर एक्स की क्यूब प्लस के वन, एक्स की क्यूब प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस के वन। तो इस तरह हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री सेम हो जाएगी। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये था इसका आपका कंसेप्ट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।